दिल्ली में जेएनयू हिंसा मामले को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बोले हैं। उनकी ओर से बयान दिया गया है इस मामले पर। जेएनयू हिंसा मामले को लेकर देखिए, सियासत फिलहाल गर्मा गई है। अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि ज्यादातर लोग इस हमले की निंदा कर रहे हैं, तो हिंसा किसी भी मामले का हल नहीं है, ये कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। हम किसी भी तरह की हिंसक कार्यवाही की और हिंसक मामले की निंदा करते हैं, ये भी हुड्डा की ओर से कहा गया है। हिंसा की जांच करवाई जाए, जो भी दोषी पाया जाए उसको सजा दी जाए, ये भी भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया है। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर रविवार को बीजेपी की ओर से जो जन जागरण अभियान शुरू किया गया है, उसको लेकर भी हुड्डा की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। तो देश के लोगों के मन में संशय है, उलझन है, तो सरकार जवाब दे, कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। डाउट क्लियर किए जाने चाहिए, ये भी कहा गया है भूपेंद्र हुड्डा की ओर से। तो देखिए, जेएनयू हिंसा मामले को लेकर बोले हैं। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी हुड्डा की ओर से जो कि प्रतिक्रिया दी गई है, जो अभियान बीजेपी की ओर से छेड़ा गया है, उसको लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। चलिए, रोहतक से हमारे संवाददाता देवेंद्र डांगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेंद्र, देखिए, एक तो हिंसा मामले को लेकर बड़ी बात कही गई हुड्डा की ओर से कि हिंसा किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती, किसी भी मसले का हल हिंसा नहीं हो सकता कम से कम। जी ज्योति, देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भूपेंद्र हुड्डा की रोहतक में, और जेएनयू पे सवाल हुआ तो हुड्डा ने साफ कहा कि हिंसा किसी भी मामले का हल नहीं हो सकता, और ये हिंसक कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी निंदा की गई है। हुड्डा ने खुद भी कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए, जो दोषी मिले उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा पुलिस के संदर्भ में भी सवाल किया था कि पुलिस कड़ी देखती रही वहां पर, तो उन्होंने कहा कि अगर पुलिस दोषी है तो पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो बीजेपी का जन जागरण अभियान है देवेंद्र, उसको लेकर क्या कुछ कहा गया है हुड्डा की ओर से, विस्तार से बताइए। देखिए, सीएए पर जो सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि लोगों के मन में काफी डाउट हैं, संशय हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को डाउट क्लियर करना चाहिए, सरकार इसका जवाब दे। चले, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो प्रेस वार्ता की गई भूपेंद्र हुड्डा की ओर से, डीपार्क स्थित उनके रोहतक आवास पर, और तमाम बातों को लेकर उनकी ओर से जवाब दिया गया। जेएनयू हिंसा मामले को लेकर दरअसल वो बोले हैं कि मामले की जांच करवाई जाए, जो भी दोषी पाया जाए उसे सख्त से सख्त सजा मिले, और हिंसा किसी भी मामले किसी भी मसले का कोई समाधान नहीं है।